Good morning, all the students. Myself, Tulsinga, and you welcome to another part of this chapter, Components of Food. जैसे कि हमने components of food की classes में पढ़ा था कि आपके जो food होते हैं वो कितने type के होते हैं. इसके अलावा हम जो food लेते हैं इससे हमें nutrients मिलते हैं, nutrients के काफी सारे type होते हैं. इसके अलावा हमने बिल्कुल deeply भी पढ़ा था कि आपके जो dietary fibers होते हैं उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं होती है. इसके अलावा आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका ये जो आपका जो चैप्टर था कंपोनेंट्स ऑफ फूड ये कंप्लीट हो चुका है. इसके अलावा हम इसकी एक्सरसाइज की बात करते हैं तो आपकी जो बुक्स है एनसीईआरटी उसमें जो लास्ट में देख रखी है हमने एक्सरसाइज उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज के बारे में. तो आपके एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड. यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड की एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके बुक्स में दे रखी है. स्टूडेंट्स, तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड. यानी कि हमारे फूड जो भोजन लेते हैं हम जो फूड लेते हैं उसके अंदर जो मेनली जो मेजर न्यूट्रिएंट होता है वो होते क्या क्या है. तो हमने पढ़ा था 7 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक तो प्रोटीन होता है. कौन कौन से होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा पढ़ा था फैट, मिनरल और क्या पढ़ा था हमने इसके अलावा डाइट्री फाइबर्स. ओके, कौन कौन से हो गए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, डाइट्री फाइबर्स, इसके अलावा आपके विटामिन. ओके फ्रेंड्स, तो ये सब आपके क्या होते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड. यानी कि हम जो फूड लेते हैं हम जो भोजन लेते हैं उससे हमें जो एनर्जी मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है न्यूट्रिएंट्स के जरिए. ओके स्टूडेंट्स, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, डाइट्री फाइबर एंड विटामिन. ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 आता है नेम द फॉलोइंग. अब हमको क्या करना है कि ये हमको जैसे बनवर्ड्स होते हैं ना इस टाइप का क्वेश्चन है. इसमें हमको ये बताना है इसका कि मीन क्या है कि द न्यूट्रिएंट्स व्हिच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी. यानी आपको एक ऐसे न्यूट्रिएंट के बारे में बताना है जिससे हमें मेनली एनर्जी मिलती है अवर बॉडी को. यानी हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी किस न्यूट्रिएंट से मिलती है. तो किससे मिलेगी आंसर आएगा इसका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. यानी आपकी जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होती है वो क्या होती है सबसे ज्यादा एनर्जी देती है हमारी बॉडी को. ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आता है द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनिंग अवर बॉडी. यानी कि हमें उसका नाम बताना है न्यूट्रिएंट का जिससे हमें सबसे ज्यादा क्या होती है यानी हमारी उससे ग्रोथ होती है एंड मेंटेनिंग अवर बॉडी और हमारी बॉडी क्या रहती है मेंटेन रहती है. ओके, तो उस वाले न्यूट्रिएंट का नाम क्या जाएगा विटामिन, क्या रहेगा विटामिन. ओके, यानी कि दैट द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है नीड होती है फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेन अवर बॉडी दैट इज विटामिन. ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आता है ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट. यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट के बारे में बताना है जिससे आपकी जो आईसाइट होती है वो स्ट्रांग रहती है यानी कि वो वीक नहीं होती है आपको दिखता अच्छा है. तो उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट आएगा उसमें कौन सा विटामिन आ जाएगा आपका विटामिन ए. ओके, यानी कि आपके जो विटामिन होता है ऐसा विटामिन जो कि आपकी आईसाइट के लिए क्या होता है मेंटेनिंग होता है यानी कि आपकी आईसाइट को मेंटेन रखता है तो वो कौन सा विटामिन होता है विटामिन ए. ओके, अगर विटामिन ए अगर नहीं मिलेगा आपको तो आपकी आईसाइट जो भी होगी वीक हो जाएगी. ओके, अगला क्वेश्चन आता है ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी. यानी कि ऐसा कौन सा मिनरल है जिससे हमारी जो बोन्स होती है वो हेल्दी रहती है हमारी जो हड्डियां होती है वो होती है हेल्दी होती है दैट इज कैल्शियम. ओके, यानी कि जो कैल्शियम होती है इससे आपकी जो बोन्स होती है वो क्या होती है हेल्दी होती है. इसीलिए डॉक्टर्स एंड अपने घर में देते हैं कि मम्मी वगैरह होती है वो क्या बोलती है कि मिल्क पिलाती है दूध पिलाती है क्योंकि दूध पीने से हमें क्या मिलती है एनर्जी मिलती है और साथ में हमारी जो बोन्स होती है उनको क्या मिलती है स्ट्रेंथ मिलती है उसको ताकत मिलती है. ओके,
यानी कि आपके कौन सा मिनरल होता है जो आपके बोन्स को हेल्दी रखने के लिए रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कैल्शियम। ओके, कैल्शियम आपकी बोन्स को हेल्दी रखता है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, नेम टू फूड्स ईच रिच इन, यानी आपको ये फोर टाइप ऑफ फूड के टाइप दे रखे हैं। अब हमको ये बताना है कि आप जो फैट दे रहे हो वो आपको किस किस फूड से मिलता है। ओके, तो आपके जो फैट होता है वो नॉर्मली आपको किससे मिल जाता है, जो आपके फूड होता है यानी फैट होता है ये आपको नॉर्मली घी, बटर और भी काफी आपके जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनसे आपको क्या मिलती है, फैट मिलती है। यानी कि जो फैट लेते हैं हम उनको किस किस से ले सकते हैं, आपके नॉर्मल जो घी यूज में लेते हो उससे, एंड जो बटर होता है उससे आप क्या ले सकते हो, फैट को ले सकते हो। ओके, सेकंड आता है स्टार्च। तो आप स्टार्च को किस से ले सकते हो, तो स्टार्च में आपके आ जाते हैं चीकू, यानी आप जो फ्रूट लेते हो चीकू उससे हमें क्या मिलती है, स्टार्च मिलती है। स्टार्च और बाकी क्या किससे ले सकते हैं, आपके जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उससे भी हम क्या ले सकते हैं, स्टार्च ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप ले सकते हो चीकू के अलावा राइस, तो इससे भी आपको क्या मिलती है, स्टार्च मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डाइटरी फाइबर्स, यानी कि डाइटरी फाइबर्स के अंदर क्या क्या आते हैं, तो डाइटरी फाइबर्स के अंदर आपके आती है पल्सेस, पल्सेस के अलावा आप ले सकते हो दलिया एंड ओस। यानी आपको डाइटरी फाइबर जो होते हैं वो किससे मिलते किससे मिलते हैं, पल्सेस से मिलते हैं। पल्सेस क्या होती है, दालें होती है। ओके, इसके अलावा आप दलिया से ले सकते हो एंड आपके जो ओट्स होते हैं जिसे आप मिट्टी में डाल करके खाते हो उससे भी आपको क्या है, डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आता है प्रोटीन, यानी प्रोटीन हमें किस किस से मिलता है। तो आप दिमाग लगाइए, हमने पढ़ा था कि प्रोटीन प्रोटीन हमको किससे मिलता है, प्रोटीन हमको एग, इसके अलावा आपकी मीट, ये सब किससे क्या मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं। ओके, यानी कि हमने क्वेश्चन पढ़ा नेम टू फूड्स ईच रिच इन, यानी कि ऐसे फूड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो ये सब। तो फैट किस किस के अंदर होते हैं, नॉर्मली घी एंड बटर के अंदर, इसके अलावा स्टार्च, स्टार्च हम चीज को ले सकते हैं यानी आपके जो फ्रूट होती है उसके अंदर एंड राइस के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमने देखा डाइटरी फाइबर्स, तो डाइटरी फाइबर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है भाई, इनके अंदर जैसे कि हम पल्सेस ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमें किससे मिल सकता है, एग से मिल सकता है, मीट से मिल सकता है, तो ये सब किसके प्रोडक्ट होते हैं, प्रोटीन के। ओके, अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर फोर की आपको प्रैक्टिस करनी है घर पर, आपके पास बुक्स होगी, बुक्स में से आपको जो फोर नंबर का क्वेश्चन है उसमें राइट एंड रॉन्ग करना है आपको, यानी आपको फोर टाइप ऑफ आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। ओके, इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो सेंटेंस दे रखा है आपको पहचानना है, आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है या राइट है। ओके, अगर वो सेंटेंस रॉन्ग होगा तो आप क्रॉस का सिंबल कर देना, और दैट इज अगर आपका अगर ये सेंटेंस अगर राइट है तो आप राइट का सिंबल कर देना। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर फोर की घर के होमवर्क की एक्सरसाइज होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की, तो क्वेश्चन नंबर फाइव में हमको क्या करवा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फील इन दी प्लैंक्स, यानी आपके जो प्लैंक्स दे रखे हैं उनके अंदर आपको फील करना है। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आता है। ओके, इसकी जो स्टार्टिंग है वो किसी का भी ब्लैंक से करती है। ओके, फिर आगे कह रहा है इट्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी कि आपको क्या बोल रहा है कि ये बीमारी बनती है, यानी कारण बनती है ए डिजीज, इट्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी की कमी से, यानी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कौन सी होती है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिकेट्स, कौन सी डिजीज होती है, रिकेट्स, यानी आपकी जो रिकेट्स होती है वो किसकी डिफिशियंसी होती है, विटामिन डी की कमी से। ओके, यानी विटामिन डी की कमी से होने वाली जो डिजीज है वो क्या होती है, रिकेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफिशियंसी ऑफ, इसमें क्या दे दिया, ब्लैंक दे दिया, फिर नेक्स्ट आ रहा है कॉजेस ए डिजीज नॉन एज बेरी बेरी। अब हमने देखा था कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी डिफिशियंसी से बेरी बेरी होता है, यानी बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, आपकी विटामिन डी की कमी से। ओके, तो इस जगह क्या आ जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी, सॉरी विटामिन डी।
यानी विटामिन बी की कमी से आपको कौन सी डिजीज होती है? बेरी बेरी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस ए डिजीज नॉन एज, यानी कि जो विटामिन सी होती है उसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कौन सी होती है? हमने पढ़ा था कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी। यानी आपकी जो स्कर्वी डिजीज होती है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। ओके, इसमें क्या लिखेंगे हम? इसमें हम लिखेंगे स्कर्वी। ओके, यानी आपकी जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है उससे होने वाली डिजीज को आप किसके रूप में जानते हैं? स्कर्वी के रूप में जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है यानी रात में आपको दिखता नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपसे कि आपको अंधेरे कमरे में छोड़ दे तब भी आपको दिखना चाहिए, नहीं। जैसे नॉर्मल जब शाम को संध्या का टाइम होता है यानी जब इवनिंग होती है, जिसे हम बोल सकते हैं जब सनसेट हो जाता है, यानी कि जब है ना आपका सूर्य अस्त हो जाता है, तो उसके बाद जो टाइम होता है यानी कि आपको हल्का हल्का जो दिखाई देता है, अगर उसमें भी अगर आपको दिखाई नहीं दे यानी आपको क्या हो जाए? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाए। तो ये किसकी विटामिन की कमी से होती है? यानी कि इज कॉज्ड द डेफिशिएंसी ऑफ, हमने पढ़ा था फर्स्ट बुक का क्वेश्चन कि ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, यानी आई साइट की जो डिजीज होती है यानी आई साइट जो होती है कौन सी विटामिन की डिजीज डेफिशिएंसी होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ओके, यानी विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, तो ये आपकी क्या हुई? एक्सरसाइज हुई। एक बार दोबारा देख लेते हैं, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड, हमारे फूड में कौन कौन से मेजर पार्ट्स होते हैं? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, डाइटरी फाइबर एंड विटामिन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेम द फॉलोइंग, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, द न्यूट्रिएंट्स व्हिच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनिंग आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी की मेंटेन करने के लिए एंड हमारी बॉडी के ग्रोथ करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट यूज में लेते हैं? विटामिन, यानी कि हम क्या लेते हैं? विटामिन यूज में लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि हमें जो कि हमारी आईसाइट को क्या करता है? मेंटेन करता है। दैट इज आंसर क्या आएगा आपका? विटामिन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्दी, यानी हमारी हमारी जो बोन्स है हमारी जो हड्डियां है उनको हेल्दी रखने के लिए कौन सा मिनरल जिम्मेदार होता है? तो वो होता है कैल्शियम, यानी कैल्शियम क्या करता है? हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है। ओके, इसीलिए हम क्या पीते हैं? मिल्क वगैरह पीते हैं। ओके, तो मिल्क से हमें क्या मिलती है? कैल्शियम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम टू फूड्स ईट स्विचिंग। ओके, तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट हम लिख देंगे फैट्स, फैट्स में घी एंड बटर। स्टार्च हमें किससे मिलता है? चिकू एंड राइस। थर्ड, डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर आपको क्या मिलता है? पल्सेस से, दलिया से एंड ओट्स से। नेक्स्ट आता है प्रोटीन, प्रोटीन आपको एग एंड मीट से मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल करना है ब्लैंक में। तो इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कौन सी है? रिकेट्स। ओके, इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ कॉज ए डिजीज नॉन एज वेरी वेरी, यानी ऐसी कौन सी डिजीज है जिसकी वजह से वेरी वेरी होता है? तो इसकी वजह से होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज ए डिजीज नॉन एज, तो उसमें क्या आएगा? यानी ऐसी कौन सी डिजीज है जिसकी डेफिशिएंसी से विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? तो होती है आपकी स्कर्वी, यानी स्कर्वी किसकी वजह से होती है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आता है आपके, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड द टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि या आपकी जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है रात में जो आपको दिखता नहीं वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। ओके, यदि हम हमारे फूड में सभी टाइप के अगर न्यूट्रिएंट्स लेंगे, सभी टाइप के मिनरल्स लेंगे, तो इससे क्या होगा? हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, इसके अलावा हमें कोई सी भी डिजीज नहीं होगी, हमारी बॉडी को ग्रोथ प्रॉपर मिलेगी। ओके, और हमारे जो
मेंटल पावर है वो भी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास हमने डिस्कस किया आपके जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड का जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज के बारे में। ओके, इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, आपको अपनी बुक में से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना ही, अब बात करनी है अगले चैप्टर में।